बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा? एमपी छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी किसे मिलेगी? कौन पहुंचेगा सत्ता के करीब? किसकी कुंडली में है राजयोग मजबूत? ग्रह नक्षत्रों की चाल है किसके साथ? 3 दिसंबर को कौन जादुई नंबर को करेगा पार? कौन सत्ता की कुर्सी पर होगा विराजमान? चुनाव संपन्न हो गए हैं, ईवीएम में किस्मत कैद हो चुकी है, किसकी किस्मत कह क्या रही है? नंबरों से किसका है किस्मत कनेक्शन? 3 दिसंबर को चलेगा पता। लेकिन उससे पहले न्यूज 18 नेताओं की कुंडली को लेकर हाजिर है। हम देखेंगे ग्रह नक्षत्रों की चाल, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक दिग्गजों के ग्रह नक्षत्रों के क्या है चाल, क्या है हाल। पिछली बार मध्य प्रदेश में 109 सीट जीतने वाली बीजेपी को इस बार कितने नंबर मिल रहे हैं? कांग्रेस और उनके नेताओं के सितारे क्या कह रहे हैं? बीजेपी और उसके नेताओं की कुंडली कह क्या रही है? किसकी कुंडली में बन रहा है सत्ता का योग? सत्ता के पंडित किसे बैठा रहे हैं कुर्सी पर? एक एक बारीक जानकारी का करेंगे विश्लेषण, क्योंकि इलेक्शन मतलब न्यूज 18 और न्यूज 18 ही आपको 3 दिसंबर को सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे भी बताएगा। लेकिन उससे पहले बता रहे हैं ग्रह नक्षत्रों के मुताबिक एमपी और छत्तीसगढ़ में किसकी बन सकती है सरकार। तो शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम 3 दिसंबर किसका नंबर। और हमारे साथ तीन खास एक्सपर्ट, तीन खास मेहमान यहां पर जुड़े हुए हैं। आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी हैं, डॉक्टर पूजा भाटिया हैं, आचार्य सूर्यांश जी भी हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। तीनों खास एक्सपर्ट बताएंगे ग्रहों की गणना और टैरो कार्ड का कनेक्शन, टैरो कार्ड का साइंस क्या कहता है। शुरुआत शास्त्री जी आपके साथ मैं कर रही हूं, 3 दिसंबर को लेकर क्या आपको नजर आ रहा है ग्रहों की चाल में और कौन करेगा कमाल? ग्रहों की चाल बड़ी स्पष्ट है और ये चुनाव लोकसभा की पूर्व पीठिका रचने जा रहे हैं और इन चुनावों से केंद्र में किसकी सरकार आएगी उसका बड़ा निर्णयात्मक एक ये वोट मतदाता ने दिया है। मध्य प्रदेश की जो कुंडली है उस कुंडली की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो वहाँ कम से कम 3-4 लोगों में एक नूरा कुश्ती चलती रहेगी और वो नूरा कुश्ती जो है वो कभी भाजपा के पक्ष में जाएगी तो कभी कांग्रेस के पक्ष में जाएगी। उसके सूत्रधार कांग्रेस के लोग भी होंगे और भाजपा के लोग भी होंगे। वो जो आंतरिक रूप से पार्टियों की राजनीति है वो दोनों पर प्रभावी होगी, क्योंकि वर्तमान जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह हैं वहाँ पर उनकी बहुत अच्छी पोजीशन होने के बाद भी उनका कार्यकाल लंबा खींचता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो निश्चित रूप से कोई ना कोई उधर भी आएगा। केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार में लंबे समय तक अपने आप को बनाए रखने वाले कमलनाथ भी, उनकी कुंडली में भाग्य में पंचग्रही योग है। वो भी योग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योग है और उस योग के कारण ही उन्होंने एक बहुत मामूली सा एक सेवक होने के बाद भी वो मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री तक कुर्सी तक पहुंचे हैं। ये पंचग्रही योग क्या होता है शास्त्री जी? हाँ, ये इसको शास्त्रों में प्रव्रज्या योग भी कहा गया है। ये या तो सम्राट बनाता है या सन्यासी बनाता है। सन्यासी में भी वो बड़े पद का सन्यासी हो या वो घर बार छोड़ के वहाँ से दूर जाके कुछ करे। तो आप देखिए कमलनाथ का जन्म जो है वो कानपुर में हुआ है और इनका कार्यक्षेत्र जो है वो जीवन का सबसे ज़्यादा समय उन्होंने मध्य प्रदेश को दिया है और यही एक तरह का प्रव्रज्या हो गया कि घर से दूर एक नया घर, एक नया संसार, एक नई दुनिया, उसमें उन्हें जाना पड़ा। तो जो भाग्य में पंचग्रही योग है वो थाली में सजा के देने वाला होता है। जब 5 ग्रहों का बल किसी के भाग्य को प्राप्त हो जाए तो उसके सामने चुनौतियाँ कितनी बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन वो उन सबको निपटा लेता है अपने बाहुबल से, अपने बुद्धि बल से, अपने विवेक से, अपने कौशल से। वो उन समस्याओं से निजात पा लेता है और अपने लिए मार्ग चुन लेता है। बड़ी महत्वपूर्ण कुंडली नरेंद्र मोदी जी की, उन मोदी जी की कुंडली से हमें और अमित शाह की कुंडली से हमें इस विधानसभा के जो ये 5 राज्यों में चुनाव हैं उनसे भी एक गणना इसकी व्यावहारिक रूप से करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मंगल और चंद्रमा का प्रभाव आ जाता है, दूषित चंद्रमा। और चूंकि मोदी जी की कुंडली में तो
नीच का चंद्रमा है, लेकिन उनकी कुंडली के ग्रह इतने मजबूत हैं कि वो जब तक हैं तब तक सत्ता में रहेंगे। उन्हें सत्ता से उनके जीवन में कोई हटाने वाला नहीं है। अराजकता के दौर से बचाने के लिए निश्चित रूप से फेरबदल मध्य प्रदेश में होंगे जी, और वो जो फेरबदल हैं वो फेरबदल कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टियों को पीड़ित करेंगे। और इन्हीं दोनों पार्टियों में जो कुछ होगा वो चाहे बाह्य चाहे आंतरिक जैसे भी हो, लेकिन वो इन दोनों ही पार्टियों के कार्य से सारा कुछ बदलाव आएगा जी। डॉक्टर पूजा, 3 दिसंबर किसका नंबर, इसको लेकर आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं? कुछ क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है या फिर कुछ मिक्स डिलेमा की स्थिति है? देखिए, 3 दिसंबर की यदि मैं बात करूं तो 3 नंबर अगर हम देखते हैं तो गुरु का नंबर होता है, और अगर हम 3 दिसंबर 2023 का टोटल कर रहे हैं तो 4 नंबर आता है जो राहु का नंबर होता है। तो राहु अपने आप में ही बहुत ही पॉलिटिकल प्लैनेट, जिसे कहते हैं कि एकदम से सिचुएशन पलटने वाला प्लैनेट माना जाता है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देने वाला प्लैनेट कहा जाता है। तो डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स तो रहने वाले हैं यहाँ पे। साथ ही मेरे कार्ड्स भी देखिए, डेविल का कार्ड दिखा रहा है जो सिवियर पॉलिटिक्स का कार्ड होता है, कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंटरनली बहुत ज़बरदस्त उलट फेर होगा। और अगर मैं बीजेपी के कार्ड्स निकालती हूँ और साथ में अगर मैं कांग्रेस के कार्ड्स निकालती हूँ तो दोनों के ही काफ़ी प्रॉमिसिंग कार्ड्स आ रहे हैं। कांटे की टक्कर मुझे यहाँ पे दिख रही है 3 दिसंबर वाले दिन में, और साथ ही बीजेपी की जो है जो जिस तरह से है कि चांसेस अच्छे और स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स है तो डेफिनेटली 4 नंबर राहु अपना क्या कमाल कर जाए इसका हम कुछ नहीं कह सकते हैं। राहु को लेके कहते हैं कि वो अप्रत्याशित लाभ भी देता है और अप्रत्याशित नुकसान भी करता है। 3 दिसंबर को क्या लाभ की स्थिति में रहेंगे या नुकसान की स्थिति में रहेंगे, कौन रहेगा, क्या इसको लेकर कुछ गणना बता पा रही है? राहु ग्रह एक राजनीति का बड़ा ग्रह माना गया है, क्योंकि राहु षड्यंत्र प्रपंच कूटनीति का स्वामी होता है, और राहु वर्तमान में मीन राशि में चल रहे हैं। हालांकि अभी तक मेष राशि में रहे जो कि मंगल की राशि है, पर 30 अक्टूबर को राहु ने राशि परिवर्तन किया है और देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में संचार कर रहे हैं। तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति की राशि में होने से एक तरीके से व्यक्ति मायावी हो जाता है, और मायावी होकर के जिस व्यक्ति की कुंडली में या फिर कह सकते हैं जिसके लिए कारक ग्रह राहु होता है उसको समझ लीजिए कि राजयोग की गद्दी प्राप्त करा देता है। यहाँ वर्तमान में आप देख रहे हैं कुछ राशियाँ ऐसी हैं जिनके लिए राहु फायदेमंद काफ़ी होने वाले हैं, जैसे कि मिथुन राशि हो गई है या तुला राशि वाले व्यक्ति जो है, कुंभ राशि वाले व्यक्ति, इनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण राहु यहाँ फलित कर रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं एक बड़ा पद प्राप्त कराएंगे जी। चंद्रशेखर शास्त्री जी, जब आपने कहा कि हमें जब हम राजनीति की बात करते हैं या किसी कुंडली की बात करते हैं तो जो साथी कुंडलियां होती हैं उनकी भी गणना करना जरूरी हो जाता है। अगर हम कमलनाथ की कुंडली देख रहे हैं तो क्या उनके जो प्रतिद्वंदी हैं उनकी कुंडली देखी जाए या उनकी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है उनकी भी कुंडली पर गौर किया जाए? देखिए, अगर कांग्रेस की दृष्टि से देखता हूँ तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास कमलनाथ की कुंडली से महत्वपूर्ण कोई कुंडली है ही नहीं। भाजपा की कुंडली से भी अगर हम देखते हैं उसे तो नए नए प्रयोग करके आगे बढ़ने का उसका जो वो अभ्यास उसके काम आ सकता है किसी बुरी स्थिति को अच्छी स्थिति में बदलने के लिए। उसके पास तब और पत्ते हैं, वो उन पत्तों को चल सकती है। जैसे अभी जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वो एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है, और उनकी कुंडली भी जो है वो उनकी कुंडली में लग्न में ही गुरु है, और लग्न के गुरु की कुंडली सिंह लग्न की कुंडली है, बड़ी महत्वपूर्ण कुंडली उनकी है। और ठीक इसी तरह से उधर दूसरी तरफ चलते हैं तो प्रहलाद पटेल की कुंडली में भी यही स्थिति है। डॉक्टर पूजा, कांग्रेस और बीजेपी को लेकर कार्ड्स क्या कह रहे हैं 3 दिसंबर की इस पिक्चर को लेकर? क्या जो हम नाम खुलकर कह रहे हैं, जो नाम खुलकर रेस में दिखाई दे रहे हैं उन्हीं की चर्चा होगी या फिर कुछ और नाम भी इस रेस में आ सकते हैं? डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आ रहे हैं और इन दोनों की तो कांटे की टक्कर दिख ही रही है, और तीसरा कोई नाम मुझे एज अ सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि बाद में सपोर्ट मिले पीछे से, बट कुंडली या फिर अगर मैं इस तरह से कार्ड्स की बात कर रही हूँ तो सत्ता इन दोनों के बीच का ही मुझे मामला नज़र आ रहा है, और कोई थर्ड पर्सन एज अ सपोर्ट एंगल आ सकता है, बट अगर सरकार की बात करें तो इन दोनों में से ही किसी एक की सरकार बनती हुई दिख रही है। आचार्य जी, क्या लग रहा है आपको
कि हम यहाँ पर कुछ और दावेदार देख पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम प्रहलाद पटेल का जिस तरह सर ने जिक्र किया, नरेंद्र सिंह तोमर का जिक्र किया, मंत्रियों को उतारा गया विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से, कहा भी गया कांग्रेस ने कि मंत्रियों की फौज उतार दी क्योंकि बीजेपी घबराई हुई है, लेकिन क्या घबराहट या आत्मविश्वास था, क्या था जो इस बार चुनाव में ये चेहरे दिखाई दिए? जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की कुंडली का अगर अवलोकन करें तो यहाँ पर धनु राशि की कुंडली बनती है, और धनु राशि की कुंडली में तृतीय भाव में जब शनि ग्रह अपनी कुंभ राशि में हो पर वर्तमान स्थिति में 4 नवंबर से वक्री चल रहे हो तो लगातार परेशानियां और संघर्ष अधिक करना बनता है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से परेशानियाँ चल रही है और उसका सामना भी बीजेपी कर रही है, तो वहाँ कहीं ना कहीं 4 नवंबर के उपरांत शनि मार्गी हुए हैं, उसका फल भी एक तरीके से सकारात्मक ही दिखाई देगा, और कहीं ना कहीं उनको कह सकते हैं वो लाभ जिसकी उम्मीद कर रहे थे वो प्राप्त होगा। हालांकि कहीं ना कहीं क्षति भी पहुंची है, क्योंकि जिस प्रकार से कार्यकाल रहा है या फिर कह सकते हैं कि बृहस्पति या फिर राहु का मेष राशि में विचरण करना, राहु और बृहस्पति दोनों ही अभी वर्तमान काफ़ी समय एक साथ रहे हैं। राहु और बृहस्पति जब एक साथ होते हैं तो चंडाल योग बनता है, और चंडाल योग में पद से भी गिरा देता है, और जो सम्मान होता है सम्मान को भी व्यक्ति के कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है और लोकप्रियता भी कम होती है। पर अब 30 अक्टूबर के उपरांत से ग्रह स्थिति परिवर्तित हो चुकी है, राहु मीन राशि में है तो बृहस्पति अकेले स्वतंत्र रूप से मेष राशि में मित्र की राशि में विचरण कर रहे, तो यहाँ पर सरकार को काफी लाभ मिलेगा और उसका रिजल्ट 3 दिसंबर को देखने को मिलेगा। आचार्य चंद्रशेखर जी, सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि गणना जो बता रही है इन प्रमुख नामों को लेकर, लेकिन क्या 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में क्लियर मैंडेट वाली पिक्चर होगी या नतीजे बहुत टफ फाइट के दौरान बीच के रह सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी की जो कुंडली है वो मिथुन लग्न की है और उसका अंक भी 3 ही होता है, वो 3 दिसंबर को ही ये परिणाम आने की स्थिति है। दूसरा एक चीज मैं देखता हूँ कि वहाँ उनके बल भाव में कुंडली के तृतीय भाव में वहाँ चतुर्ग्रही योग है और वो मंगल शनि राहु और गुरु हैं, तो ये बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं जो वहाँ बैठे हैं, और उनकी सीधी दृष्टि भाग्य पर है जहाँ बुध और केतु दोनों विराजमान हैं और वो भी शनि के घर में विराजमान हैं। भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मुझे होता हुआ दिख रहा है, और कांग्रेस की जो कुंडली है उसमें इस समय वह प्रभाव वहाँ नहीं है। व्यक्तिगत कुंडली अगर हम कांग्रेस के लीडर्स की कहें तो वो बहुत अच्छी है कमलनाथ जी की, लेकिन कांग्रेस की जो कुंडली है वो इस समय राजयोग कारक वहाँ नहीं दिखती है, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी की कुंडली कांग्रेस से अधिक प्रभावी रूप से वहाँ दिखती है, तो उसका प्रभाव हमें उसमें दिखाई देता है जी। हाँ। डॉक्टर भाटिया, क्लियर मैंडेट में तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है और कंपटीशन में या कांटे की टक्कर में बड़ा कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो क्लियर मैंडेट तो मुझे नहीं दिख रहा है। डेफिनेटली काफ़ी क्लोज रहने वाला है, जो भी कंपटीशन है सीट्स के मामले में भी बहुत क्लोज रहेगा, और साथ ही मैंने बीजेपी के भी एक एक कार्ड निकाला और कांग्रेस का भी एक एक कार्ड निकाला है, तो बीजेपी में तो ये सब वॉन्ड्स आया है जो अपने आप में बहुत स्ट्रांग कार्ड होता है, नई शुरुआत का कार्ड होता है, पॉजिटिव कार्ड है, और यहाँ पे अगेन अगर मैं कांग्रेस का भी देख रही तो 3 ऑफ वॉन्ड्स है, ये भी अपने आप में एक बहुत स्ट्रांग कार्ड है, तो कांटे की टक्कर तो कार्ड में भी नजर आ रही है ग्रह नक्षत्रों के साथ ही, बट यहाँ पे हम एस ऑफ वॉन्ड्स को ज्यादा अहमियत देंगे क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स नई न्यू बिगनिंग्स और नई शुरुआत का कार्ड होता है, तो यहाँ मुझे बीजेपी की चांसेस अच्छे नजर आ रहे हैं जी। आचार्य सूर्यांश, जैसा कि यहाँ दोनों ही पार्टियों की कुंडली की बात करें तो यहाँ पर मिथुन लग्न की कुंडली बनती है बीजेपी की अगर, तो फिर वहां कांग्रेस की धनु लग्न की कुंडली है, तो यहाँ पर भी वर्तमान में भले ही बुध ग्रह जो दशम भाव का स्वामी है द्वादश भाव में चल रहा हो, समीकरण ना बन रहे हो, पर जैसे ही 30 दिसंबर को बुध ग्रह धनु राशि में प्रवेश करेंगे, बृहस्पति की राशि में प्रवेश करेंगे, तो वहाँ परिस्थिति कुछ भिन्न होंगी, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की कुंडली की अगर बात करें और या फिर देखें कि उनका जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार है शिवराज सिंह जी, उनकी कुंडली के आपस में तुलना करें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री पद के लिए लग रहा है संघर्ष करते हुए शिवराज सिंह जी दिखाई दे रहे हैं, पर बीजेपी की कुंडली इस समय बड़े संकट में है और उनको काफ़ी परिश्रम काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा परिस्थितियों को बदलने के लिए, जहाँ पर
शनि ग्रह कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, जैसा कि यहाँ मिथुन लग्न की कुंडली है, और वृश्चिक राशि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की बनती है जो स्थापना दिवस की है उस समय के आधार पर, तो यहाँ सूर्य मंगल एक साथ आ गए हैं। हालांकि काफ़ी ये नहीं कि एक कह सकती कि एक तरफा सरकार बन जाए, उनको सरकार बनाने के लिए भी काफ़ी मेहनत और प्रयास यहाँ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक तरफा बीजेपी ही सरकार बना पाई या फिर कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना पा सकती है। शास्त्री जी, अब एक और सवाल हम यहाँ पर करेंगे, छत्तीसगढ़ को लेकर अब रुक कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ को लेकर 3 दिसंबर को वहां के भी नतीजे आने हैं, क्या कह रही है गणना की, क्योंकि पिछली बार जब 18 में चुनाव के नतीजे आए थे तो बिल्कुल कांग्रेस की लहर के नतीजे आए थे, इस बार कैसे रहेंगे? देखिए, जो छत्तीसगढ़ राज्य की जो कुंडली है, उस कुंडली से अगर देखते हैं तो कोई सौम्य स्वभाव का ऐसा व्यक्ति जो विकास में रुचि रखेगा, वो इस बार जब सत्ता में पार्टी जो भी आएगी, वो उस सौम्य स्वभाव के व्यक्ति के कारण बड़ा प्रभावशाली ढंग से राज्य का विकास करेगी। लेकिन चूंकि ग्रह गोचर की स्थिति, मैंने जैसा आपको बताया कि ग्रह गोचर जो हैं वो 2025 में बड़ी विकृति लेकर आए हैं और वो पूरे विश्व के लिए वैसी स्थिति है, तो वहाँ अशिक्षा के कारण कोई ऐसी घटनाएं घटेंगी जो राज्य में उसका दुष्प्रभाव होगा, और उसमें उस समय की सत्ता को बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। जी डॉक्टर भाटिया, तो यहाँ पे फिर से मेरे कार्ड्स, एक जगह 9 of Wands आया है, एक जगह 9 of Swords आया है, तो दोनों ही मेबी के कार्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे फिर से मुझे बार बार कार्ड्स में भी और ग्रह नक्षत्रों में भी कांटे की टक्कर ही दिख रही है। उसके बाद मैंने क्लैरिफिकेशन के लिए दोबारा कार्ड्स निकाले हैं, बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि कांटे की टक्कर रहेगी, कुछ ना कुछ, देखो कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि सरकार जैसे शुरुआत में हो सकता है कांग्रेस की फेवर में जाए, लेकिन बाद में कुछ ना कुछ उलट फलट हो सकता है और यहाँ बीजेपी का पलड़ा भारी होने के चांसेस नजर आ रहे हैं मुझे। आचार्य सूर्यांश, क्या क्लियर पिक्चर दिखाई देगी? नंबर ऐसे होंगे जो बताएंगे कि लहर थी, या फिर नंबर ऐसे होंगे जो बताएंगे कि जनता भी दुविधा में थी? ग्रह बदल रहे हैं तो व्यक्ति की विचारधारा भी बदली है, लहर कुछ और थी, तो वोटिंग के समय ग्रह स्थिति के अनुसार वोट मध्य प्रदेश में या फिर कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में बीजेपी का बढ़ा है, और यहाँ पुनः बीजेपी पहले से ज़्यादा मत लेकर के आ रही है, और उसी का ये एक आधार है क्योंकि छत्तीसगढ़ के नाम से मेष राशि बनती है और कुंभ राशि में वर्तमान में शनि चल रहे हैं और बृहस्पति मेष राशि में है, तो यहाँ वो सरकार बनेगी जो छत्तीसगढ़ के लिए उन्नति कारक हो और छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, समाज है, उनके विकास में भागीदारी हो। चंद्रशेखर शास्त्री जी, गणना ये भी बताती है कि जो हमारा अगला आने वाला समय है वो कैसा रहेगा, धर्म के लिए या संस्कृति के लिए या नेचुरल कैलमिटीज का सामना करना पड़ सकता है। जो आपकी गणना है वो सरकार, जो अगली सरकार रहेगी प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, वो किस और मुख उसका होगा, उस सरकार का, क्या ये भी हम जान सकते हैं? देखिए, यह समय जो है सनातन संस्कृति के उद्धार का काल है, उसके विकसित होने का काल है, उसकी अपनी जो पूर्व अवस्था है उसको स्थापित होने का, पुनर्स्थापित होने का काल है, और यह कह सकते हैं कि सनातन का स्वर्णिम काल का एक युगारंभ है ये। तो इस युगारंभ में निश्चित रूप से कोई भी सरकार, चाहे वो किसी भी दल की हो, जो भी सनातन संस्कृति को अपोज करेगी, जो भी सनातन संस्कृति के अवरुद्ध चलेगी, तो उसका पतन निश्चित होगा, वो लुभावना वादा काम नहीं आएगा। और आने वाले समय में सरकारों की ऐसी स्थिति नहीं होगी कि वो ये फ्री वाले गेम चला सके। तो निश्चित रूप से उस समय वो लोग जिन्होंने वो फ्री के चक्कर में मतदान किया है, वे लोग अपोजिशन में आएंगे और वो अराजकता फैलाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उन्हें उसकी एक लंबे समय की आदत उसकी हो चुकी होगी। जिसकी सत्ता होती है वही सत्य को उजागर कर सकता है, वही असत्य को भी सत्य के रूप में प्रस्तुत भी कर सकता है। जी। तो अभी सत्य जो है वो सनातन के पक्ष में है, और सनातन का वास्तविक स्वरूप अभी आपको दिख रहा है, पूरा विश्व आज भारत की ओर देख रहा है, और मध्य प्रदेश जो है वो मंदिरों का राज्य है, वहाँ हजारों मंदिर हैं। अकेले अगर उज्जैन में अगर मतलब हम देखें, सांस्कृतिक
सत्यता उसकी झलक देखने को मिलेगी। डॉक्टर भाटिया, आपका कैलकुलेशन क्या कह रहा है, आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं कि जो टाइम रहेगा अगला वो शांतिपूर्ण रहेगा या आप भी अप्स एंड डाउन्स देख पा रही हैं? देखिए, अप्स एंड डाउन्स तो डेफिनेटली दिख रहे हैं, और देखिए हेरोफेंट का ही कार्ड आया है, धर्म का कार्ड होता है, तो डेफिनेटली धर्म को लेके बहुत सारी चीजें होंगी। और जिस तरह से हमारा साल 2023 का टोटल 7 बनता है, केतु का वर्ष है, तो केतु भी हमें धर्म से ही कनेक्ट करता है। तो जिस तरह पंडित जी ने बोला कि सनातन का युग है, तो डेफिनेटली जो सरकार धर्म को प्रमोट करेगी, जो सरकार ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिखाएगी, स्पेसिफिकली अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे जितनी डेवलपमेंट हुई है मंदिरों में और उज्जैन में, जिस तरह का डेवलपमेंट हुआ है, जो वो देखने को मिल रहा है सबको। और साथ ही देखिए, फ्रीबीज के वादे एक लिमिट तक चल सकते हैं, कुछ समय तक चलेंगे, लेकिन जहां पे जनता को दिखेगा कि ये मात्र वादे थे और इस पे अमल नहीं किया गया है, तो वहां पे डेफिनेटली उनका रुझान ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। आचार्य सूर्यांश जी, आखिर का एक मिनट बचा है मेरे पास, लेकिन क्या आपकी गणना किसी एक को चुन पा रही है या यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि दोनों ही हावी हैं एक दूसरे पर? जैसा कि ग्रह स्थिति के अनुसार देख रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे पर हावी रहेंगे। मेष राशि में बृहस्पति और राहु एक साथ रहे, जब बृहस्पति और राहु एक साथ रहते हैं या फिर शनि कुंभ राशि में बैठ करके तृतीय दृष्टि से बृहस्पति को देख रहे थे, और आपने देखा भी कि जो गत समय गया है वो समय एक ऐसा था जिसमें धर्म को एक टारगेट किया गया या फिर धर्म से संबंधित बयानबाजी की गई या धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया, लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया, धर्म को राजनीति से जोड़ने का प्रयास किया गया और उसको सत्ता में अपनाने का प्रयास लोगों ने किया है या राजनीतिक दलों ने किया है। पर यहाँ पर अब ऐसी स्थिति नहीं होगी, जो धर्म का साथ देगा विजय उसी की होगी, क्योंकि बृहस्पति स्वतंत्र रूप से अब मेष राशि में है, मेष राशि मंगल की मित्र राशि है, राहु से बृहस्पति अलग हो चुके हैं, तो यहाँ आपको अगर सत्ता में रहना है तो धर्म को साथ देना पड़ेगा, धर्म का। जी, तो हमारे एक्सपर्ट्स तो बता रहे हैं कि कौन किसका साथ देगा, लेकिन जनता ने किसका साथ दिया है ये तो 3 दिसंबर को ही साफ हो पाएगा। किसका नंबर लगेगा ये जानने के लिए सुबह 6 बजे से ही महाकवरेज जारी है न्यूज 18 नेटवर्क पर, जुड़े रहिएगा न्यूज 18 नेटवर्क के साथ। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद।